नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और प्रतीक कार केयर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास आई हुई है होंडा की IVTEC गाड़ी। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी कभी एक्सीलेटर छोड़ देता है, RPM ऊपर जाती नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी चल नहीं पाती, एकदम स्लोली चलती है। कितना भी हम एक्सीलेटर दबाएंगे गाड़ी रेस होती नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। और पहले उससे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि गाड़ी रेस कैसे नहीं हो पा रही है और क्या बता रहा है मीटर में। तो चलिए चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें RPM कांटा ऊपर चढ़ नहीं रहा है और मैं फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ। एक्सीलेटर देने के बाद भी ये गाड़ी रेस नहीं हो रही है। अगर मैं इसको फिर से बंद करूँ और बंद करके चालू करूँ तो कार RPM ऊपर जाने लगेगा, अगर एक्सीलेटर पकड़ के रखे कभी कभी, और कभी कभी नहीं जाता है। तो चेक करता हूँ, गाड़ी बंद करने के बाद मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि रेस हो रहा है रिटर्न या नहीं हो रहा है। ये मैंने गाड़ी को बंद किया और फिर से चालू किया, चाबी ऑन किया। चालू ऑन करने के बाद मैं गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ और एक्सीलेटर पकड़ के रखता हूँ। जैसा आप देख सकते हो, अभी रेस हो रहा है इस गाड़ी का RPM। तो इसी टाइप से हो रहा है, कभी ये होता है कभी नहीं होता है। हालांकि इस पेट्रोल का भी अभी कांटा इंड पे है, लेकिन पेट्रोल ऑलरेडी गाड़ी में है। अगर पेट्रोल नहीं होता तो गाड़ी ये इतनी रेस अभी होती नहीं थी। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए स्कैनिंग करके देखते हैं, स्कैनिंग में क्या बताता है। हालांकि इसमें इंजन चेक लाइट भी आ रहा है, एयरबैग की लाइट भी आ रही है और ABS की लाइट भी आ रही है, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम एयरबैग और ABS का नहीं देखना है। मेन प्रॉब्लम देखना है कि गाड़ी रेस क्यों नहीं हो रही है, और कस्टमर ने हमारे पास सिर्फ इसीलिए छोड़ा ही हुआ है इस काम को करने के लिए कि सिर्फ मेरा RPM जो ऊपर चढ़े, एक्सीलेटर प्रॉपर हो। तो चलिए स्कैनिंग करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरी गाड़ी का स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है होंडा की। देखते हैं आगे क्या बताता है। नंबर और फॉल्ट 6 बता रहा है इसमें। एक का कोड आ रहा है P0123 हाई वोल्टेज डिटेक्टर फ्रॉम द थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का, वोल्टेज डिटेक्टर फ्रॉम द पैडल सेंसर और हाई देन एक्सपेक्टेड रेंज, इसका भी कोड आ रहा है 0223। और लगभग सब इसी टाइप का, इंटेक डिटेक्टर फ्रॉम द इंटेक टेम्परेचर सब, ATS सेंसर का भी फॉल्ट इसमें बता रहा है, इश्यू इन द एक्सीलेटर पैडल सेंसर। तो चलिए ये सब चीज़ का वायरिंग का और सेंसर्स वगैरह चेक करते हैं। बंद हो जाएगा ना, निकाला। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेंसर की सॉकेट है जिसका वायरिंग पूरी कटी हुई है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, शायद क्लियर ना देख पा रहे हो, लेकिन चूहे ने इसका वायरिंग कट कर दिया हुआ है। लगभग आधे से ज़्यादा वायरिंग कट किया हुआ है, एक दो ही तार ज्वाइंट है। तो इसको फिर से हम कट करेंगे और फिर प्रॉपर इसको जोड़ेंगे, उसके बाद में और चेक करते हैं कि क्या हो सकता है।
पूरी वायरिंग चूहे ने कट करने के वजह से वहाँ पे मेल्ट हो गया हुआ है वायर, आप देख सकते हो। फाइनली हमने इस गाड़ी को पूरा चेक कर लिया है, वायरिंग वगैरह जितने भी थे वो सब चेक करने के बाद कम्प्लीटली लास्ट में हमने खोला इसका एक्सीलेटर पैडल। इस एक्सीलेटर पैडल में मिस्टेक है फ्रेंड्स, इस एक्सीलेटर पैडल को भी हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद में फिर चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। और ये एक्सीलेटर पैडल अभी हमने मंगाया है दूसरा डालने के लिए, हालांकि ये भी एक्सीलेटर पैडल सेकेंड हैंड में है बट ये अच्छा है, और ये पुराना वाला जो गाड़ी का खोला हुआ है ये ख़राब है। तो अभी हम इस एक्सीलेटर पैडल को लगाएंगे और लगाने के बाद में चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आती है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस गाड़ी का काम हो गया है पूरा, और गाड़ी का मैंने ट्रायल भी मार लिया है, ट्रायल मार करके 5 किलोमीटर मैंने रनिंग भी किया है। रनिंग करने के बाद में अभी इसका आरपीएम कांटा बराबर ऊपर हाई हो रहा है, कितना भी रेस करो प्रॉपर हो चुका है, और इंजन हैंडलिंग भी एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में इसमें पहले इंजन चेक लाइट आ रहा था, वो चेक लाइट भी अभी जा चुका है और इस गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अभी देख सकते हो मैं इसको एक्सीलेटर दूँ अगर गाड़ी का तो आरपीएम बराबर एयरलिंग पे ऊपर जा रहे हैं। अभी मैं आपको गाड़ी बंद करके चालू करके फिर से दिखाता हूँ। ये गाड़ी मैंने बंद की और फिर से रिटर्न चालू की, देख सकते हो चेक लाइट भी जा चुका है और प्रॉब्लम इसका हो गया है सॉल्व। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू।